कौन है? हैप्पी डेन मास्टर मेरे दोस्तों, राधे 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 राधे। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आप भी मेरी ही तरह अपने बच्चे को सबसे सुंदर खाना बनाने के लिए तत्पर होंगे, जैसे कि मैं हूं। तो मैंने सोचा जब मैं एडी को तैयार कर रही हूं तो क्यों ना आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दिया जाए, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से घर पे ही रखी चीज़ों को यूज़ करके अपने बेटे को सबसे सुंदर खाना बना सकते हो। तो आज स्कूल में था फंक्शन, जिसके लिए इन सबको कान्हा की ड्रेस में जाना था, लेकिन जो बाज़ार में कान्हा की ड्रेसेस मिलती हैं वो मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं है शुरू से ही। तो मैं नीमो को और एडी को दोनों को खुद से ही तैयार करके भेजती हूँ, इसीलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आलता, जो कि मैं लगा रही हूँ लिक्विड सिंदूर से, क्योंकि इसको आलता बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलता है कि मुझे अच्छी स्मेल नहीं आती है। पता नहीं आलता में कौन सी स्मेल आती है, मुझे आज तक नहीं आई। उसके बाद इसके दोनों पैरों और दोनों हाथों में कुछ इस तरीके से फ्लावर बनाने के बाद ये देखो इतना सुंदर लग रहा है। ये लिक्विड सिंदूर ले लो, या आप कुछ वाटर कलर का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर का कुर्ता पहनाया है। लास्ट टाइम मैंने इसको ऊपर कुछ नहीं पहनाया था, सिर्फ ज्वेलरी थी, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, तो इसीलिए मैंने प्रिकॉशंस के तौर पर इसको ये येलो कुर्ता पहना दिया। उसके बाद इसका हम करेंगे तिलक। तिलक लगाने के पहले मैंने लगाया इसको आईलाइनर से काजल, और इसमें बहुत मस्ती कर रहा था तो मैंने इसको एक चांटा मार दिया, तो ये गुस्सा हो गया था। उसके बाद इसने सोने की एक्टिंग करी और मैंने इसको एक सुंदर सा रेड कलर का, वाटर कलर का यूज़ करते हुए रेड कलर का तिलक लगाया। तो आप देख ही सकते हो इस तरीके से कुछ ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर तिलक कर रही हूँ। उसके बाद वाइट कलर से कुमकुम वगैरह बनाकर ये यहाँ पर पूरी एक्टिंग कर रहा है सोने की, ये बिल्कुल नहीं सो रखा है। देन उसके बाद बारी आती है धोती की। धोती का ट्यूटोरियल जो है मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी। यहाँ पर कैमरा प्रॉपर स्टैंड में था नहीं, और मैं थी बहुत ज़्यादा जल्दी में, क्योंकि मुझे भी रेडी होना था, नीमो को भी रेडी करना था, इसीलिए मैंने कैमरा रखा है सामने बस ऐसे ही। और ये जो धोती बनती है ये किसी भी बनारसी दुपट्टे से आप बना सकते हो, क्योंकि साड़ी जो होती है ना उसका अर्ज बहुत होता है बच्चे के लिए, तो दुपट्टा बहुत अच्छा से जाएगा। और इस तरीके से आप इसकी प्लेट्स बनाकर पीछे इसको अच्छे से टक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धोती को बिल्कुल हाफ एंड हाफ में बांट के बीच में गांठ लगा दूँगी, जो कि ये मुझे बिल्कुल करने नहीं दे रहा था, पर क्योंकि इसको काना भी बनना था सुंदर सा, तो मतलब आसानी से करवा ही लिया फिर बाद में उसको। तो धोती का ट्यूटोरियल मैं ज़रूर आपको डाल दूँगी यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से बनी नहीं है। इस तरीके की जो धोती होती है ना वो कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि खुल जाएगी या पता नहीं क्या करेगा, आराम से चल सकता है आपका बच्चा इसमें, उछल कूद सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल नहीं खुलेगी ये धोती। और ईजी टू टाई है, बहुत ज़्यादा ईजीली बन जाती है। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। इसके ऊपर अब आप एक दुपट्टा जैसा बांध सकते हो फॉर द फाइनल लुक। और पीछे से देखिए कुछ इस तरीके के लुक्स आते हैं। ये देखो यहाँ नीम एडी आपको चल के भी दिखा रहा है। उसके बाद आती है बारी पगड़ी की, जो कि होता है मेन, क्योंकि आजकल जब से वो कृष्णा वाला नाटक चला है जिसमें सुमेध है, उन्होंने ऐसी कुछ पगड़ी बांधी है, तो उस ही लुक में हम अपने बच्चे को देखना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक और बनारसी दुपट्टा ले लिया मैंने। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि बनारसी ही दुपट्टा लेना है, नॉर्मल आप कोई भी जॉर्जेट प्लेन नेट का दुपट्टा ले सकते हो। पिछली बार मैंने नेट के दुपट्टे से बनाई थी, और उसके ऊपर ऐसे टाई कर सकते हो एंड अपने जूड़ा पिंस, अपने पुराने पड़े हुए झुमके मांगटे के सब टांग दो ऐसे, तो कुछ इस तरीके से पगड़ी का लुक आ जाता है। ये देखिए हमारा काना हो चुका है बिल्कुल रेडी, ज्वेलरी सारी घर पे है, हाथों में बांधी हुई है इसने राखी, जो कि बहुत अच्छी सी लग रही थी, लुक दे रही थी। यहाँ हो चुके हमारे काना रेडी, और यहाँ हमारे काना हो गए हैं रेडी। हाय करो काना।